एक साहब ने ये पूछा है कि वो 10 साल हो गए शादी को और बेऔलाद हैं, तो वो औलाद की तमन्ना है उन्हें, तो पूछना चाहते हैं कि क्या करें। आज तो आपने उसका हल बताया हाँ बिल्कुल। ये। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशा अच्छा सवाल है और बड़ी ज़रूरत होती है इसकी। एक तो आज मैं सुबह फजर की फजीलत बताई है कि बेटे की अगर ख्वाहिश हो तो 100 मरतबा सुबह फजर की तिलावत करें, अव्वल आखिर 12 मरतबा दुरूद इब्राहिम भी पढ़ें और पढ़ के जो है वो दुआ कर लें अल्लाह से। तो आप रोज़ाना ही अमल कर लें, कम अज़ कम 3 हफ्ते तक तो ये अमल कर लें तो बहुत अच्छा है। और पानी दम करके पानी मियाँ बीवी दोनों पीते रहें तो इंशाल्लाह जो है वो आप साहिब औलाद हो जाएंगे। उसके अलावा आप जब कोई भी फ़र्ज़ नमाज या अपनी जो नवाफिल सुन्नत नमाज पढ़ें तो सलाम फेरने से पहले पहले 7 मरतबा ये दुआ जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो दुआ है कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दों व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दों व अंत खैरुल वारिसीन, ये 7 मरतबा पढ़ के अब नमाज का सलाम फेरें। तो सलाम फेरने से पहले 7 मरतबा इसका अहतमाम कर लें और ये 41 डेज या 90 दिन पाबंदी से करते रहें, मियाँ बीवी दोनों कर लें बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह जो है साहिब औलाद हो जाएंगे और ये किसी भी किस्म की जो मवाने रुकावटें वो दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।